बच्चों आज संस्कृत शिक्षण इस विषय में इकाई फोर्थ में इकाई चार में हमारा जो आज का विषय है वह है उच्चारण शिक्षण। किस प्रकार का उच्चारण होना चाहिए और कैसा उच्चारण विद्यार्थियों का शुद्ध उच्चारण हो इसके लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए, ऐसी क्या शिक्षा विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए कि जिससे विद्यार्थी भाषा को संस्कृत भाषा हो चाहे हमारी हिंदी भाषा हो उस भाषा को के वर्णों का किस प्रकार शुद्ध उच्चारण करें और उन उच्चारण की शिक्षा कैसे विद्यार्थियों को दी जाए। तो सर्वप्रथम बच्चों इसमें हमें जो है जो हमारी वर्णमाला है इस वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वह निर्धारित किया गया है। वह हर वर्णमाला का जो प्रत्येक जो वर्ण है बच्चों उसका अपना उच्चारण स्थान जो है मुख के आंतरिक भाग में निर्धारित है जहाँ से वह वर्ण उच्चरित होता है। तो यह शिक्षा विद्यार्थियों को देनी बहुत जरूरी है क्योंकि उच्चारण के अभाव में जो है उच्चारण शुद्ध उच्चारण के अभाव में जो है विद्यार्थी जो है वो भाषा को शब्दों को अशुद्ध उच्चरित करते हैं और यदि वो उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो बच्चों लिखेंगे भी अशुद्ध ही। तो इसलिए उच्चारण का की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम जो हमारी वर्णमाला है आज हम उसके बारे में जानेंगे और वह वर्ण मुख के आंतरिक भागों से कहाँ से उच्चरित होते हैं किस प्रकार उनका उच्चारण होता है वह शिक्षा बच्चों आज हम इस विषय में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारी जो वर्णमाला में सबसे पहले है स्वर। बच्चों स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो हमारी संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर है वह अ आ इ ई उ ऊ री री लरी ए ऐ ओ औ, ये बच्चों हमारे स्वर हैं। इन स्वरों को हमने जो है आगे तीन भागों में विभाजित किया हुआ है। सर्वप्रथम है हमारे ह्रस्व स्वर, मान जिन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, वह है अ इ ऊ री। ये है बच्चों हमारे ह्रस्व स्वर और लरी, माने इनके उच्चारण में ह्रस्व का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे यानी कि एक मात्रा का समय लगे उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसी इनके उच्चारण से ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पर स्वरों की छोटी की मात्रा आएगी, कहाँ किस पर बड़ी की आएगी, कहाँ पर ह्रस्व छोटे उ की मात्रा आएगी, कहाँ पर दीर्घ उकार की मात्रा आएगी। यह ज्ञान बच्चों उच्चारण से ही बच्चों को पता चलता है। दूसरा हमारा है बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, ये है बच्चों हमारे दीर्घ स्वर, माने जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, दो गुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बच्चों ये जब इनकी मात्राओं का हम करेंगे जैसे कोई भी हम वर्ण का उच्चारण करें जैसे कवि कवि, तो यहाँ वाव में जो है छोटी ई लघु ई है तो इसका उच्चारण जैसे उसने कहा कि एकदम जो एक झटके से जल्दी शीघ्रता से जिसका उच्चारण हो जाए। और यदि कहें हम उसने कहा कि तो इस प्रकार कवि, अब कवि को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या होगा कवि, अब कवि नहीं होता कवि। तो इस प्रकार बच्चों ऐसे हम भाषा में जो है उच्चारण का उच्चारण से ही शब्दों का लेखनी और शुद्ध वर्तनी जो है वो उच्चारण पर ही आधारित है। तीसरा बच्चों हमारे जो स्वर होता है वह है पलुत स्वर। पलुत माने जिसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे जैसे ओम हे राम। तो यहां पर जो बच्चों ये जो तीन संख्या जो वाचक है ये पलुत स्वर की वाचक है यानी कि जिस जैसे हम किसी को दूर से आवाज लगाते हैं हे राम ऐसे खींचकर, तो ये जो है यहाँ पर पलुत स्वर का प्रयोग होता है। तो बच्चों
जो हमारे स्वर हैं वो हम तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, और पलुत स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे। तो ये बच्चों स्वर आपने अच्छी प्रकार से सीख लिए हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे व्यंजन। इसके बाद क्या आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़े? स्वरों की सहायता लेनी पड़े। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बच्चों व्यंजन कितने हैं हमारे? देखो इनकी संख्या 33 होती है। ये क से लेकर म तक जो है पांच वर्गों में विभाजित किए गए हैं। सर्वप्रथम जो वर्ग है हमारा वह है क वर्ग। क वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद आ है हमारा बच्चों च वर्ग। च वर्ग में आएंगे च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद आता है बच्चों हमारा त वर्ग। त वर्ग में कौन से आएंगे? त, थ, द, ध, ण। इसके बाद आता है बच्चों हमारा त वर्ग। त वर्ग में कौन से आएंगे? त, थ, द, ध, ण। और अंतिम वर्ग है हमारा प वर्ग। प वर्ग में कौन से आएंगे? प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आते हैं बच्चों अंतस्थ वर्ण। य, र, ल, व। और इसके बाद आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण श, श, स, ह, श, 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 ह। तो बच्चों देखो ये पांच वर्ग हो गए। एक वर्ण वर्ग में पांच वर्ण हैं, 25 ये हो गए हमारे, और चार ये हो गए अंतस्थ वर्ण, और चार हो गए हमारे ऊष्म वर्ण। तो इस प्रकार ये वर्णों की जो संख्या हमारी 33 पूरी जो है व्यंजनों की संख्या हमारी 33 हो जाती है। अब बच्चों बात आती है कि उच्चारण स्थान की। तो जो कवर्ग है, कवर्ग का उच्चारण स्थान है देखो इसके साथ साथ स्वर भी आएंगे। कवर्ग में अकहु विसर्जनीय नाम कंठ, इनके अ आ का विसर्गों का और हा का, और ये कवर्ण का स्थान क्या है बच्चों? कंठ। ये कहां से बोले जाते हैं सारे के सारे? क, ख, ग, घ, ङ, सारे के सारे कंठ से। आ विसर्गे जो होती हैं, और ह, और ये सारा कवर्ग। कवर्ग में ये जो पांचों हैं ये कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। उसके बाद च वर्ग, ईचु यसा नाम तालु, ई दीर्घ ई, य, और ये तालव्य श, और ये च वर्ग का वर्ण। सारे सारे कहां से बोले जाते हैं? मुख के तालु भाग से। कहां से इनका उच्चारण होता है? तालु से। इसके बाद आते हैं बच्चों ट वर्ग। तो वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। री टूर्षा नाम मूर्धा, री का, र का, और ये टवर्ग का स्थान है मूर्धा। ये मुख के मूर्धा भाग से बोले जाते हैं। आप देखो ट, ठ, ड बोल के देखो, इनके बोलने से जी वहां जो है बच्चों ऊपर मुख के ऊपरी भाग में लगती है, उसको बोलते हैं मूर्धा भाग। इसके बाद आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, सॉरी ये न, त, थ, द, ध, न। तो त्वर्ग में जो बच्चों आते हैं हमारे ये पांच हैं। त्वर्ग में ये त, थ, द, ध, लरी पुरुषा नाम दंता, लरी का, ल का, श का, और यहाँ पर ये धन्य शैव भी आता है ये, और यहाँ पर ये त्वर्ग इसका है दंत।
ये कहाँ से बोले जाते हैं? मुख के दंत भाग से। जिसके बच्चों दांत नहीं होते वो तो वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद प वर्ग, प वर्ग में कौन से आएंगे? प थ ब भ म। देखो कहां से उच्चारण हो रहा है इनके बच्चों, बोलो प फ भ पोस्ट, तो उ उ और प वर्ग पोस्ट, ये मुख के ओस्ट से ये बोले जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारे जो ये सारे के सारे वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ण का जो है वह स्थान उच्चरित स्थान जो है उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है इनके कुवर्ग में। अब देखो जो कुवर्ग में ये पांच में पूछे आपसे कि भाई कुवर्ग में ये पांच ही क्यों रखे, बच्चों हमारे जो संस्कृत की वर्णमाला है ये बहुत ही वैज्ञानिक वर्णमाला है एक प्रकार से। इसमें देखिए आप, देखो क ख घ कुवर्ग में ये पांच ही क्यों रखे, ये दूसरे क्यों नहीं रख दिए? क्यों रखे बच्चों? क्योंकि इन पांचों वर्णों का जो स्थान है वह कंठ है, इसलिए वर्णमाला में जितने व्यंजन कंठ से बोले जाने वाले थे वह सारे के सारे कुवर्ग में रख दिए गए। इसी प्रकार चौर्ग में, चौर्ग में ये पांच ही क्यों रखे? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, ये मुख्य तालु भाग से बोले जाते हैं, इसलिए बच्चों जितने भी वर्ण थे तालु से बोले जाने वाले वह किस में रख दिए? चौर्ग में। इसी प्रकार त्वर्ग में, और इसी प्रकार त्वर्ग में, और इसी प्रकार पवर्ग में सारे वर्णों का स्थान निर्धारित किया गया है। अगर अब यदि आपसे कोई पूछे भाई कवर्ग में ये जो पांच रखे थे उसमें पहला क ही क्यों रखा, ख क्यों नहीं रख दिया, हम ख को पहले रख देते या गा को पहले रख देते, क्योंकि गा का भी ख का भी चारण स्थान ग्रंथ है, गा का भी घा का भी सारों का, तो पहला क ही क्यों रखा? बच्चों ये भी देखो हमारी वर्णमाला में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया, बहुत ही वैज्ञानिक वर्णमाला है हमारी ये संस्कृत भाषा की। क पहले इसलिए रखा गया बच्चों क्योंकि यह अल्प प्राण, इसको बोलने में प्राणवायु कम बाहर निकलती है शरीर से, और ख ख है महाप्राण, इसको बोलने में शरीर से प्राणवायु ज्यादा बाहर निकलती है। इसके बाद आता है बच्चों ग, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, सारे वर्णों में इसी प्रकार का क्रम निर्धारित किया गया है। बच्चों किसी अंग्रेजी भाषा के दूसरी भाषा वाले नहीं बता सकते कि वहाँ पहला ए है, बी दूसरा क्यों रखा, सी क्यों रखा, लेकिन हम संस्कृत वाले बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं कि हमारे प्रत्येक वर्ण का स्थान निर्धारित है। क्योंकि यह यहाँ पर भी देखो च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ज अल्प प्राण, झ महाप्राण, इसी प्रकार रखता अल्प प्राण थ महाप्राण, ड अल्प प्राण ध महाप्राण। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो है इन सारे वर्णों का स्थान निर्धारित किया गया है हमारी संस्कृत की इस वर्णमाला में। इसके बाद बच्चों बात आती है अंतस्थ वर्ण, ये अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंत है जो है ना, मतलब ये कह लीजिए कि इन जो स्पर्श व्यंजन है हमारे वर्ग और उष्म, इनके अंत में बीच में आते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है। उष्म वर्ण, इनको उष्म वर्णों की संज्ञा क्यों दी गई है? श श श और ह, आप इनका उच्चारण करके देखिए, श श श ह, मुख से एक गर्म उष्मा सी बाहर निकलती है, गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनको हम उष्म वर्ण कहते हैं। ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य से, जिसको बच्चे पेटपटाशय बोलते हैं, इसको पेटपटाशय नहीं बोलना है, ये बच्चों मूर्धन्य से, और ये दंत्य से, जिसको सड़क वाला सह बोलते हैं, ये है दंत्य स, इसका उच्चारण दांतों से होता है, स ये श, ये श, स ह। इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ण का स्थान जो है वह निर्धारित किया गया है। जो विद्यार्थी इस वर्णमाला के इन जो उच्चारण स्थान है इनको अच्छे से इनकी अभ्यास करता है, अभ्यास करने से वह इन उच्चारण स्थान वर्णों का उच्चारण स्थान आसानी से सीख सकता है और फिर उसका भाषा में प्रयोग कर सकता है। कई विद्यार्थियों को श श और श के उच्चारण में बहुत भेद पता नहीं चलता, तो वहाँ पता नहीं होता कि कौन सा श आएगा, तो बच्चों यह केवल जो है उच्चारण से ही, उच्चारण शिक्षण से ही इस सब का ज्ञान हो सकता है। तो बच्चों आज की इस विषय में, आज की इस जो कक्षा में हमने जो आज किया है वह उच्चारण शिक्षण की जो शिक्षा हमने ली है, स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान हमने आज इसमें बच्चों निर्धारित किए, बतलाए हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। जैसे अब ये कंठ तालु से, कंठ होस्ट से बोले जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज जो है आप घर से जो है वर्णमाला के इन उच्चारण जितने भी वर्ण हैं इनका क्या क्या उच्चारण स्थान है, कहाँ से ये उच्चरित होते हैं,
वह शिक्षा आज हमने ली, आप घर से जो है इस विषय को पढ़ के आएंगे। कल कक्षा में वाले बच्चों में आपसे ये पूछूंगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, इसके बाद इस उच्चारण का क्या महत्व है और उच्चारण के क्या दोष हैं, किस प्रकार से उच्चारण में दोष आ जाते हैं और उन दोषों को दूर करने के क्या उपाय हैं, वह शिक्षा जो है बच्चों हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज हमने एक भूमिका बनाई कि बच्चों को जो है, जैसे कि आपने छोटे बच्चों को भी जाके कल पढ़ाना है, उनको इन स्वर और व्यंजनों की वर्णमाला की जो है उच्चारण स्थान सहित आपने शिक्षा देनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह विषय आज आपने अच्छे से इसको सीखा होगा, आत्मसात किया होगा। कल आप इसकी घर से पूरी तैयारी करके आएंगे और प्रत्येक वर्ण का जो निर्धारित स्थान मैंने बतलाया वह आप घर से पढ़ कर आएंगे। मैं कल जो है इस विषय पर आपसे दोबारा चर्चा करूंगा। धन्यवाद बच्चों।